नमस्कार, स्वागत है आपका जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय जेबी गुरु में। देखो गाइस, अपने जैसे कल्चर कम्युनिटी का अपने नया टॉपिक स्टार्ट करें तो मोर के लिए कल्चर है। देखो कि हमारे यहाँ पर मोर भी बहुत टाइप में मिलते हैं। तो देखो कि अपने कल्चर का टॉपिक चल रहा था मोर देवी, वो कम्प्लीट हो चुका है और आगे अपने करेंगे एज रीति रिवाज। तो देखो गाइस, अपना नया टॉपिक है रीति रिवाज। देखो ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्यों पढ़ाया जाता है कल्चर, इसके मध्य सरकार क्यों क्वेश्चन पूछती है ज्यादातर, क्योंकि कल्चर से लगभग 65% कोई भी एग्जाम हो राजस्थान लेवल का, उसमें 65% जो क्वेश्चन वो राजस्थान कल्चर से पूछे जाते हैं। इसके मध्य सरकार का क्या मोटिव है, यानी कि जो अपने आज के युवा राजस्थान कल्चर अपने कल्चर के बारे में संस्कृति के बारे में भूल चुके हैं उनको याद दिलाना है एक बार के लिए। जिस प्रकार से वर्ड आता है मोताना, मोताना क्या होता है, तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अगर मान लो किसी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बाद में उसे जो जिस व्यक्ति से उसकी मृत्यु होती है, यानी कोई भील क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आपको पता है वो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर अगर किसी व्यक्ति के जो विशेष वर्ग का व्यक्ति होता है उससे मृत्यु हो जाती है तो मोताना वर्ड यूज किया जाता है कि वहां पर मोताना हो चुका है। तो मोताना यानी कि उसे हट जाना, वसूल करना, तो वो है इसलिए पढ़ाना ये जरूरी है। तो रीति रिवाज, देखो कि रीति रिवाज अपने तीन पार्टों में पढ़ेंगे। देखो कि पहले रीति रिवाजों को कितने पार्टों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। एक है जन्म से संबंधित रीति रिवाज, जन्म के बाद में आता है विवाह और विवाह के बाद में आता है मृत्यु। तो तीन प्रकार से पढ़ेंगे अपने रीति रिवाज। एक तो देखो कि जो अपने जन्म से संबंधित, यानी कि जन्म के समय पर कौन कौन से रीति रिवाज या, तो देखो जन्म, विवाह और मृत्यु। जब एक बच्चे का जन्म यानी कि माँ के गर्भ में होता है, गर्भधारण किया जाता है, उससे लेकर मृत्यु तक, यानी कि यहां से लेकर इससे भी पहले, यहां से लेकर यहां तक कितने संस्कार, यानी कि इनको जन्म से संबंधित जो होते हैं वो संस्कार माने जाते हैं। संस्कार तो संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार। 16 वाले के याद में संस्कार भी 16 होते हैं, श्रृंगार भी 16 होते हैं। श्रृंगार कितने होते हैं, 16, और गणगौर का श्रृंगार भी कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक। और जो श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध या पितृपक्ष या एक सांझी का त्यौहार आता है, मैं आपको एक टॉपिक में जो अपने टॉपिक पहले हुआ था मेले और त्यौहार से संबंधित उस टॉपिक के अंदर करवाया था कि पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष और एक सांझी का त्यौहार, वो भी कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक। तो देखो गाइस, अपने स्टार्ट करते हैं जन्म से संबंधित संस्कार पहले, इसके बाद में करेंगे विवाह और अंतिम करेंगे अपने मृत्यु से संबंधित संस्कार। तो अपने कर्म से चलेंगे, जन्म से संबंधित इनका जो कर्म पूछा जाता है गाइस, कर्म याद रखना, पहला आता है गर्भाधान, दूसरा आता है पुष्वन, तीसरा आता है सीमांतोन, चौथा आता है जातकर्म, पांचवा आता है नामकरण, छठा आता है अन्नप्राशन, सातवां आता है निष्कर्मण, आठवां आता है जडुला, और जडुले को बोला जाता है मुंडन, और मुंडन या चूड़ाकरण। इसके बाद में नौवां संस्कार आता है कर्ण वेदन, दसवां आता है विदार, ग्यारहवां आता है जनेऊ को बोला जाता है उपनयन संस्कार, और इसी को बोला जाता है यज्ञोपवीत। बारहवां संस्कार आता है
वेदार्ण, तेर माता है किसान, चौदह आता है समाप्त बर्तन, पंद्रहवा है विवाह, और विवाह होने के बाद में अंतिम आता है अंत्येष्टि। सोलहवा संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि। तो पहला कौन सा है? गर्भाधान, दूसरा है पुष्पक, तीसरा सीमांतोनयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा है प्रासव, सातवा है निष्कर्मण। देखो कि गाइस इनका कई बार किताबों में मिलेगा कि निष्क्रमण छठे नंबर पर है प्रासव, क्योंकि एक ही समय पर यह संस्कार किया जाता है। आठवां झड़ुला या मुद्दाकर मुंडन, नौवां करण वेदन, दसवां विदारण, ग्यारहवां जनेऊ, बारहवां वेदारण, तेरहवां है केसान, चौदहवां समाप्त बर्तन, पंद्रहवां है विवाह और अंतिम है अंत्येष्टि। इनका क्रम याद रखना, इनसे देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, यानी कि इनको सुमेलित यानी कि असंगत इस प्रकार से कि इनका क्रम निर्धारण कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस प्रकार ए दे दिया, पहला दे दिया, जैसे मान लो कि एक दो तीन चार नंबर पे निर्धारण करना, जैसे एक दे दिया विश्वन ए नंबर ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन के ऊपर दे दिया समाप्त वर्तन, तीन पे दे दिया और चार नंबर ऑप्शन पे ले लिया विदार। अब देखो कि इनको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इनका कारण निर्धारण कीजिए, भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला पुष्पन एक नंबर पे आएगा, इसके बाद में चार नंबर है वो दो पर आएगा, इसके बाद में तीन और इसके बाद में दो, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका क्रम याद रखना, पहला पूछा गर्भाधान, दूसरा पुष्पन, तीसरा सीमांतोनयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा है प्रासव, सातवा निष्कर्मण, आठवा झड़ुला या मुंडन, नौवा कर्ण वेदन, दसवा विदारण, ग्यारहवा जनेऊ, बारहवा वेदारण, तेरहवा किसान, चौदहवा है समाप्त वर्तन, पंद्रहवा विवाह और अंतिम कौन सा है अंत्येष्टि। तो ये क्रम याद रखना। अब करते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल, क्योंकि एक लाइन की डिटेल है वो भी याद रखें। गर्भाधान यानी कि उचित पहर देखकर गर्भ धारण करना, इसके बाद में दूसरा है पुष्पन, जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर एक भ्रांति चल रही है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए लड़की के नहीं होने चाहिए, तो शिशु को लड़के का रूप देने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है पुष्पन। और इसके बाद में तीसरा है सीमांतोनयन, यानी कि गर्भ धारण के सातवें या आठवें माह के अंदर जो संस्कार किया जाता है शिशु और शिशु की माँ को अमंगलकारी, जिस प्रकार से भूत प्रेतों वाली से जुड़ा हुआ है, भूत प्रेतों से बचाने के लिए जो घर के अंदर हवन वगैरह करवाया जाता है, देवी की पूजा पाठ करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं सीमांतोनयन। इसके बाद में जातकर्म, जातकर्म में देखो गाइस क्या होता है कि पहली बार जो जच्चे का जो बच्चा होता है, बच्चा होता है, बच्चे को प्रथम बार जो पिता के द्वारा घी चढ़ाया जाता है, प्रथम बार घी चढ़ाना यानी कि जिस जन्म के तुरंत बाद में जो बच्चे को पहली बार पिता के द्वारा जो घी चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं जातकर्म। और नामकरण 21वें दिन जो किए जाने वाला वो क्या कहलाता है नामकरण। इसके बाद में अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना वो क्या कहलाता है अन्नप्राशन। और इसके बाद में निष्कर्मण, इसमें कहा जाता है कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालना यानी कि चंद्रमा के दर्शन करवाना वो क्या कहलाता है निष्कर्मण। और इसके बाद में है झड़ुला या मुंडन या चूड़ा करना, यानी कि जैसे ही बच्चा एक साल का हो जाता है या तीन साल के मध्य के अंदर जो चूड़ा करण पहली बार बाल कटवाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं झड़ुला या फिर मुंडन या फिर चूड़ा करण करना। इसके बाद में कर्ण वेदन, यानी कि जिस प्रकार बच्चा बढ़ रहा है उसके कान बीनना, विद्या के लिए जा रहा है बच्चा तो उसे पहले उसके कर्ण भेजे जाते हैं यानी कि कर्ण कान को कहा जाता है, तो कर्ण को बीनना। इसके बाद में विदारण, जैसे कि अपने बच्चे को छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का तब उसको अपने पहली बार आंगनवाड़ी के अंदर भेजते हैं तो पहले बच्चों को भेजा जाता था, इसी प्रकार विदारण करना। इसके बाद में होती है जनेऊ, जैसे कि आपको पता है कि अपने हिंदू समाज के अंदर जनेऊ धारण करने की परंपरा है, आजकल नहीं है लेकिन पहले जो हिंदू हुआ करते थे उनको चोटी रखना और जनेऊ धारण करना वो हिंदुओं का है, न कि बल्कि
ब्राह्मण समाज का है तो जनेऊ, उपनयन या यज्ञोपवीत। इसके बाद में है आगे वेदाहरण, यानी कि जिस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जिस प्रकार अपने कॉलेज कॉलेज में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं वेदाहरण। और केसान, केसान देखो क्या है कि जिस प्रकार अपने पहली बार शेव करवाना यानी कि दाढ़ी बनवाना उसे क्या कहा जाता है केसांत कहा जाता है। और इसके बाद में समाप्त करना यानी कि जैसे ही अपनी शिक्षा पूर्ण हुई, शिक्षा पूर्ण होने के बाद में अपने जो गुरु दक्षिणा देते हैं घर घर लौटते टाइम, क्योंकि पहले ऋषियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और पंद्रहवा है विवाह, और विवाह के बाद में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। तो गाइस ये अपने जन्म से संबंधित के अब देखो गर्भधारण और पुष्पवत सीमांतों में जातकर्म और नामकरण। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म के समय देखो गाइस यहां से क्वेश्चन दो तीन बार ऐसे पूछा गया कि जैसे देखो कि अगर लड़की का जन्म होता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए कि लड़की के समय पर जो पिया पक्ष की द्वारा भेजे जाने वाली चुंदरी कौन से रंग की होती है, और लड़के के जन्म के समय भेजे जाने वाली पिया पक्ष के द्वारा चुंदरी कौन से रंग की होती है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए लड़के के जन्म आपने एक पीछे हरियाणवी की सॉन्ग आया था ऊर्जा रे काला काले काला सा काला, मेरी माँ ने जाके कह दिए कि तेरी बेटी का होया नंदलाल बेटी मांगे पीली, यानी कि जो पीले रंग की चुंदड़ी होती है, पीले रंग की चुंदड़ी लड़के के जन्म पर दी जाने वाली पीयर पक्ष के द्वारा कौन सी चुंदड़ी दी जाती है पीले रंग की, और लड़की के जन्म पर कौन सी, तो लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग की भेजी जाती है। तो गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा गया है कि लड़के के जन्म पर कौन सी पीयर पक्ष के द्वारा कौन सी चुनरी भेजी जाती है, तो पीले रंग की, और लड़की के जन्म के समय गुलाबी रंग की चुनरी भेजी जाती है पीयर पक्ष के द्वारा। इसके बाद में जन्म के समय जो गीत गाए जाते थे यानी कि जिस प्रकार वो गीत कौन से है तो उनको क्या बोला जाता है भेड़िया। जन्म के समय कौन से गीत गाए जाते हैं झगड़िया गीत गाए जाते हैं यानी कि गणेश जी के यहाँ पर भगवान की आराधना के अंदर गीत गाए जाते हैं बच्चों को जच्चे और बच्चे को स्वस्थ रूप के अंदर देखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए वो क्या करते हैं भगवान के गीत गाते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं झगड़िया गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में पहला आता है छठ पूजन, पहला कौन सा आता है छठ पूजन, अन्य रीति रिवाजों की बात कर रहा हूं जन्म से संबंधित। तो देखो कि जन्म के छठवें दिन, जन्म के छठे दिन कहा जाता है किस दिन जो छठ माता है बच्चे के जो भाग्य है वो लिखती है उनके कौन से दिन, और इसी दिन जो नहान करवाया जाता है प्रथम बार छठ पूजन के दिन ही बच्चे को क्या पहली बार नहलाया जाता है। कहते हैं कि जिंदगी में इंसान तीन बार नहाता है, पहला छठ पूजन के दौरान यानी कि जन्म के दौरान भी नहलाते हैं कई समाज के अंदर, हर समाज के अलग अलग है लेकिन अपने हिंदुओं के तरह देखा जाए तो महान छठ पूजन के दिन करवाया जाता है पहली बार। इसके बाद में दूसरा विवाह के समय, और तीसरा स्नान होता है जो मृत्यु के समय जिस प्रकार अपने अंत्येष्टि को लेकर जाते हैं उस समय जो स्नान करवाया जाता है उसके परिवार के लोगों के द्वारा, वो तीन ही स्नान बताए गए तो महान छठ पूजन के दिन। इसके बाद में देखो कि होता है कुआ पूजन, कुआ पूजन और कुआ पूजन को बोला जाता है जलवा, यानी कि कुएं पर जाकर कुएं की पूजा करना। तो ये है अभी कुआ या जलवा पूजन। तो जन्म से संबंधित संस्कार है वो हो चुके हैं, अपने अपने कला आगे करेंगे, विवाह से संबंधित दूसरे रीति रिवाज, और अंतिम संस्कार करेंगे अपने मृत्यु से संबंधित, यानी कि दो दिन के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर गाइस ये आपको टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।